वेलकम टू कृष्णास ऑनलाइन लेक्चर्स। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स का, जो है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। और आज का जो मेन टॉपिक है वो है पास्कल्स लॉ। बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दूंगी प्रेशर का, फ्लूइड प्रेशर एट अ पॉइंट, और पास्कल्स लॉ के बारे में बताऊंगी। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं जितने भी टॉपिक्स हैं प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट से रिलेटेड, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करूंगी। जैसे आज पास्कल्स लॉ डिस्कस करने वाली हूँ, नेक्स्ट जो आने वाले लेसन हैं उसमें टाइप्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और भी बहुत सारे टॉपिक्स प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट की मैं डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो जो पास्कल्स लॉ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं फ्लूइड प्रेशर के बारे में डिस्कस करूंगी कि हाउ कैन वी डिफाइन प्रेशर या फिर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर अगर वो फ्लूइड पर लग रहा है। तो बेसिकली अगर हम कोई फ्लूइड कंसिडर करते हैं जिसका एरिया जो है वो ए है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है एक पर्टिकुलर फ्लूइड का जो स्टेशनरी कंडीशन में है, स्टेशनरी फ्लूइड हम ले रहे हैं उसका एरिया ए है, और इस पर्टिकुलर फ्लूइड में अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसका जो एरिया है वो डी ए है, एक स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट जिसका एरिया डी ए है वो हम कंसिडर करते हैं, तो ये जो फ्लूइड है इसके सराउंडिंग में भी एक फ्लूइड होगा। जैसे कोई भी हम फ्लूइड ओपन कंडीशन में कंसीडर करते हैं और उस फ्लूइड के सराउंडिंग में एयर होती है, और एयर भी एक तरह का फ्लूइड होती है, तो जो सराउंडिंग फ्लूइड है इस पर्टिकुलर फ्लूइड पर एक फोर्स एग्जर्ट करता है। तो जो भी सराउंडिंग फ्लूइड है अगर इस पर्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट पर वो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है डीएफ, तो जो भी फोर्स एग्जर्ट होगा सराउंडिंग फ्लूइड के थ्रू फ्लूइड एलिमेंट पर वो एक्ट करेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो एरिया डीए है इस एरिया पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करेगा। तो ये जो रेशियो है डीएफ बाय डीए वो हमारा कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। यहाँ पे डीए जो है वो एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ फ्लूइड है, और डीएफ जो है वो फोर्स जो एक्ट कर रहा है डीए पर परपेंडिकुलरली। तो रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया डीए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ फ्लूइड, ये जो कहलाता है ये कहलाता है प्रेशर या फिर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, और इसको हम जनरली डिनोट करते हैं पी से। अब अगर हम टोटल फ्लूइड कंसिडर करें जिसका टोटल एरिया ए है, और इस टोटल फ्लूइड पर सराउंडिंग फ्लूइड के थ्रू अगर फोर्स एक्ट कर रहा है एफ, एफ हम यहाँ पर फोर्स जो है जो एग्जर्ट कर रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर फ्लूइड पर जिसका एरिया ए है, और जो फोर्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर्टिकुलर एरिया पर, तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा कहलाएगा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। एफ बाय ए जो है अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है फोर्स, तो वो कहलाता है फोर्स पर यूनिट एरिया जो कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो इस तरह से हम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर या फिर प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पर हम यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट क्या है? फोर्स पर, इसका जो फॉर्मूला है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है। फोर्स का यूनिट होता है हमारा जनरली न्यूटन, और एरिया का हम या तो मीटर स्क्वायर लेते हैं या एमएम स्क्वायर। तो जो एसआई यूनिट होगा इसका वो होगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा पास्कल्स के इक्विवेलेंट। और एमकेएस यूनिट क्या होगा? एमकेएस यूनिट होगा केजीएफ पर मीटर स्क्वायर। अब 1 किलो पास्कल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये होगा 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही 100 किलो पास्कल क्या होगा? 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है बार, और ये भी एक यूनिट होता है प्रेशर का। तो इस तरह से हम प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ बेसिकली क्या होता है? अगर हम कोई भी पर्टिकुलर फ्लूइड या फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर करते हैं और उस पर कोई प्रेशर या फिर जो फोर्स है, प्रेशर फोर्स वो एक्ट कर रहा है सराउंडिंग फ्लूइड के थ्रू, तो वो जो फोर्स होगा या जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो डेवलप होगा उस पर्टिकुलर फ्लूइड पर वो हर डायरेक्शन में इक्वल होगा। बेसिकली अगर हम 3 डायमेंशन कंसीडर करते हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन, तो इन तीनों डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट कर रही है वो इक्वल होगी सारे डायरेक्शन में। इसका स्टेटमेंट क्या है? प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। कोई भी फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप होगा उस पर्टिकुलर
स्टैटिक फ्लूइड पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो प्रेशर सारी डायरेक्शन में इक्वल होगा, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, चाहे वाई डायरेक्शन में, चाहे जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर पी एक्स, पी वाई और पी जेड जो है वो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन थ्री डिफरेंट डायरेक्शन हम ले रहे हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो उसके बेसिस पर पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू पी जेड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पास्कल्स लॉ, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन एंड इन जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में इक्विवेलेंट है। तो अब हम यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे जिसके थ्रू हम पास्कल्स लॉ को प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे एक आर्बिटरी फ्लूइड एलिमेंट, वेट शेप फ्लूइड एलिमेंट लेंगे जिसकी डायमेंशन हम लेंगे एक्स डायरेक्शन में dx, वाई डायरेक्शन में dy और जेड डायरेक्शन में ds। यहाँ पर ये वेज शेप फ्लूइड एलिमेंट है, स्टेशनरी फ्लूइड एलिमेंट है जिसकी साइड्स है ए बी, और ए बी का डायमेंशन हम ले रहे हैं डी वाई बिकॉज वाई डायरेक्शन में है। दूसरा साइड है ए सी जिसका डायमेंशन हम लेंगे डी एक्स, और तीसरा साइड है बी सी जिसका डायमेंशन हम लेंगे डी एस। तो तीन डायमेंशन है डी एक्स, डी वाई और डी एस इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन में। अब इसकी जो विड्थ हम लेंगे वो हम यूनिट कंसीडर करेंगे, यूनिट विड्थ, और जो विड्थ होगी वो परपेंडिकुलर टू दी पेपर हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये एक आर्बिटरी शेप वेज शेप फ्लूइड एलिमेंट है। अब यहाँ पर तीन साइड्स हैं और इस फ्लूइड एलिमेंट के सराउंडिंग में भी एक पर्टिकुलर फ्लूइड होगा जिसके थ्रू प्रेशर फोर्स एग्जर्ट होगा। तो जो प्रेशर इंटेंसिटी हम कंसिडर करेंगे इन तीनों साइड पर वो होगी पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी एक्स जो है वो प्रेशर इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन होगा जो फेस ए बी पर एक्ट करेगा। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो y डायरेक्शन में एक्ट करेगा जो फेस AC पर एक्ट होगा वो होगा PY, और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो z डायरेक्शन में एक्ट करेगा वो होगा PZ। तो हम यहाँ पर जो प्रेशर इंटेंसिटी है तीनों डायरेक्शन में PX प्रेशर एक्टिंग ऑन AB, PY प्रेशर एक्टिंग ऑन AC एंड PZ प्रेशर एक्टिंग ऑन BC, ये इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर हम तीनों अलग अलग फेसेस पर कंसीडर करेंगे इस आर्बिटरी फ्लूइड एलिमेंट पर जिसकी विड्थ है जो है वो यूनिट है। और यहाँ पर जो हमारी साइड्स हैं ए बी और बी सी के बीच का जो एंगल हम लेंगे वो लेंगे थीटा, और इस थीटा को हम यूज करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए। जो प्रेशर फोर्स होगा जेड डायरेक्शन में उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को निकालने में यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट पर कितने तरह के फोर्स एक्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर दो तरह के फोर्स एक्ट करेंगे, एक तो वेट होगा फ्लूइड एलिमेंट का, और दूसरा जो फोर्स होगा वो होगा प्रेशर फोर्स जो एक्ट करेगा नॉर्मल टू द सरफेस। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेशर में बताया था कि जो प्रेशर फोर्स है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट करता है। तो दो तरह के फोर्सेस होंगे, एक तो वेट होगा एलिमेंट का और दूसरा होगा प्रेशर फोर्स जो नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट करेगा। अब यहाँ पर हम इन दोनों फोर्सेस को डिफाइन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से ये फोर्सेस होंगे, इनके इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और उसके बेसिस पर हम यहाँ पर पास्कल्स लॉ प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो वेट है एलिमेंट का वो डिफाइन करते हैं, यहाँ पर उसका इक्वेशन निकालते हैं। तो वेट ऑफ द एलिमेंट जो है उसको हम जनरली यहाँ पर इस इक्वेशन के थ्रू डिफाइन करते हैं, एम जी। एम जी मास इंटू एक्सेलरेशन है, एम जो है वो मास ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट है, और जी जो है इसका वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट होता है 9.81। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम इक्वेशन निकालेंगे वेट ऑफ द एलिमेंट का। तो जो मास होता है वो रॉ वी होता है, रॉ जो होता है वो डेंसिटी होता है, एंड वी होता है वॉल्यूम। रॉ भी कांस्टेंट होगा और जी भी कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम अगर निकालें तो वॉल्यूम जो है हम इस वेज शेप एलिमेंट का पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम क्या होगा, एक तो एरिया इंटू विड्थ होगा, तो ये होगा 1/2 ए बी इंटू ए सी। ये ट्राइंगुलर है तो 1/2 ए बी इंटू ए सी जो है इसका एरिया है इंटू 1 अगर हम करेंगे तो ये आएगा हमारा वॉल्यूम, और इनटू रॉ जी, तो ये हो जाएगा हमारा वेट ऑफ द एलिमेंट। अब सेकंड जो फोर्स है वो है प्रेशर फोर्स। अब हमारे पास तीन सरफेसेस हैं, ए बी, ए सी और बी सी। तीनों सरफेसेस पर प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो हम तीनों सरफेसेस पर प्रेशर फोर्स निकालेंगे। सबसे पहले ए बी जो सरफेस है उस पर हम प्रेशर फोर्स निकालेंगे, फोर्स ऑन फेस ए बी। तो फोर्स जो होगा क्या होगा, हमारा जो हम प्रेशर फोर्स निकालते हैं वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के थ्रू निकालते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था P इक्वल टू एफ बाय ए, ये तो प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, ये F जो है वो प्रेशर फोर्स है और A जो है एरिया है। तो प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटू एरिया जो होगा वो प्रेशर फोर्स होगा।
तो यहाँ पर हम प्रेशर फोर्स वहीं से निकालेंगे। अब प्रेशर फोर्स हम x डायरेक्शन में अगर निकालें तो x सॉरी फेस ए बी पर अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें तो x डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो हम ले रहे हैं पी एक्स, और जो इसका एरिया है वो क्या आएगा, ए बी का जो आएगा, इसकी जो ए बी की डायमेंशन जो है वो डी वाई हम ले रहे हैं और विड्थ वन है, तो इसका जो प्रेशर फोर्स आएगा वो आएगा पी एक्स डी वाई इंटू वन। सिमिलरली ए सी पर अगर हम निकालें तो ए सी पर जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो है वो आएगा हमारा पी वाई, क्योंकि वाई डायरेक्शन में है और ए सी का डायमेंशन है डी एक्स और विड्थ है वन, तो ये आ जाएगा पी वाई डी एक्स इंटू वन। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में आएगा, जेड डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है परपेंडिकुलर टू द सर्फेस वो पी जेड है और बी सी का जो डायमेंशन है वो डी एस और विड्थ है वन, तो ये आ जाएगा पी जेड डी एस इंटू वन। तो यहाँ पर हम तीनों जो प्रेशर फोर्सेस हैं अलग अलग फेसेस पर ए बी ए सी और बी सी पर वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी फोर्सेस हैं इस वेज शेप फ्लूड एलिमेंट पर वो एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्सेस रिजोल्व करेंगे और वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे फोर्सेस रिजोल्व करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे पास्कल्स लॉ। तो सबसे पहले हम फोर्स रिजोल्व करते हैं एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक्स डायरेक्शन में सबसे पहले हम फोर्स देखते हैं। एक्स डायरेक्शन में एक तो फेस ए बी पर जो फोर्स लग रहा है प्रेशर फोर्स वो एक्स डायरेक्शन में है, और दूसरा फोर्स जो है ए सी पर तो वाई डायरेक्शन में है, और वेट ऑफ द एलिमेंट है वो भी डाउनवर्ड साइड लगेगा तो वो भी वाई डायरेक्शन में होगा अपोजिट टू दिस। लेकिन यहाँ पर जेड डायरेक्शन में जो है यहाँ पर हम एंगल का यूज करेंगे, क्योंकि ना तो ये एक्स डायरेक्शन में ना तो वाई डायरेक्शन में, तो इसका हम पहले तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो एक्स डायरेक्शन में आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा वो वाई डायरेक्शन में आएगा। अब इसके लिए हम पहले थीटा का यूज करेंगे, एंगल ए बी सी जो है वो थीटा है। अब हम यहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर एंगल निकालेंगे, PZ इस डायरेक्शन में है तो एक तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट की साइड में ये वाला जो एंगल होगा ये होगा थीटा, तो इस दूसरी साइड का जो एंगल क्या होगा वो होगा 90 माइनस थीटा। तो इसके बेसिस पर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हैं PZ DS into 1 sin 90 माइनस थीटा, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा PZ DS into 1 cos 90 माइनस। तो यहाँ पर सारे हम x डायरेक्शन के फोर्सेस यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला तो px dy into 1 जो फेस ab पर लग रहा है minus pz ds into 1 sin 90 minus theta equals to 0, ठीक है, एक ये इस डायरेक्शन में फोर्स और एक इस डायरेक्शन में फोर्स pz का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा px dy into 1 minus pz ds cos theta equals to 0। अब यहाँ पर जो ds cos theta है इस इक्वेशन इस डायग्राम से आप देख लीजिए, जो ds cos theta है वो इक्विवेलेंट है किसके, इस पर्टिकुलर ab के, ठीक है। तो यहाँ पर ds cos theta जो है वो ab हम लिख लेंगे और जो इक्विवेलेंट होगा dy के, तो इसकी जगह हम लिख देंगे dy। यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा px dy minus pz dy। तो इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर लेंगे हमारा ये एक्सप्रेशन px equals to pz। तो ये x डायरेक्शन में जो फोर्सेस रिजॉल्व किए उसके थ्रू हमारा इक्वेशन आया px equals to pz। अब सेकंड जो है हम y डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं वो रिजॉल्व करेंगे। तो y डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं यहाँ पर y डायरेक्शन में एक तो फोर्स आएगा py dx into 1, दूसरा वेट ऑफ द एलिमेंट आएगा और तीसरा क्या आएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस pz ds into 1 cos 90 minus theta, ठीक है। और इस जो वेट है एलिमेंट का वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया था ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब ये तीनों एक्सप्रेशन हम वहां पे लिख देंगे y कंपोनेंट y डायरेक्शन में जितने भी फोर्स रिजोल्व करेंगे, py dx into 1 माइनस pz ds into 1 cos 90 माइनस थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, माइनस वेट, तो 1 बाय 2 ab into ac into 1, और ये जो माइनसेस है ये हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब py into dx minus pz ds sin theta, यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा sin theta, pz ds sin theta minus 1 by 2 AB जो है वो इक्विवेलेंट है dy के और AC जो है वो इक्विवेलेंट है dx के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे dx into dy और into rho g equals to 0। अब ये जो टर्म है ये टर्म जो है वो बहुत स्मॉल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ds sin theta है, ds sin theta हमारा इक्विवेलेंट है
डी एस साइन थीटा जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा हमारा डी एक्स के, ठीक है। डी एक्स कौन सा है हमारा, ये वाला ए सी, ठीक है, डी एस साइन थीटा हम निकालेंगे। तो इसके बेसिस पर हम यहाँ पर डी एस साइन थीटा की जगह डी एक्स पुट कर देंगे और ये वाला वैल्यू जो है वो हम नेग्लेक्ट कर लेंगे, जीरो कर लेंगे या वेरी स्मॉल तो दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो ये जीरो यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो होगी वो वैल्यू, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा पी वाई डी एक्स इक्वल्स टू पी जेड डी एक्स। इसके बेसिस पर हम एक्सप्रेशन निकाल लेंगे पी वाई इंटू पी वाई इक्वल्स टू पी जेड। अब ये वाला पी वाई इक्वल टू पी जेड है और फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो पी एक्स इक्वल्स टू पी जेड है, तो इसके बेसिस पर हो जाएगा हमारा पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई टू pz जो है पास्कल्स लॉ। तो इस तरह से हम पास्कल्स लॉ डिफाइन कर सकते हैं या फिर पास्कल्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर लेक्चर्स रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो फॉर द बेनिफिट ऑफ डिफरेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स।